नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के जूनियर छात्र से रैगिंग के मामले में आरोपों की जांच के बाद यह साबित हुआ है कि हॉस्टल में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र से रैगिंग की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने 5 छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया है। हम आपको बता दें कि जूनियर छात्र ने एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ कॉलेज के कुछ सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग के बहाने प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायत पर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर राजेश पाटीदार के नेतृत्व में कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि सीनियर छात्रों ने हॉस्टल में रैगिंग की थी, उसके बाहर रैगिंग का कोई प्रमाण नहीं मिला है, जिसके चलते छात्रों को हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया है। अभी अगले 3 माह तक के लिए आदेश जारी रहेगा। इसके बाद छात्रों के आचरण रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि उन्हें हॉस्टल में अनुमति दी जाएगी अथवा नहीं। जिन छात्रों पर कार्रवाई हुई है उनमें प्रमुख रूप से MBBS के अंतिम वर्ष के छात्र पराग सोनकर, वर्ष 2020 बैच के छात्र आदर्श, अभिषेक प्रजापति, सूर्यवंशी और देव सिंह शामिल है। इस कार्रवाई के साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सभी छात्रों के लिए सूचना जारी की है कि रैगिंग से जुड़ी शिकायतें मिलने पर संबंधित हो के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो शिकायत की गई थी नेशनल फोरम में, उसमें किसी ने नाम तो अपना नहीं दर्ज कराया था। फिर जो उससे संबंधित छात्र हो सकते थे, जो हमने उनसे सबसे पर्सनली जाके हमारी ये कमेटी बनी थी, डॉक्टर आदेश पाटीदार और डॉक्टर अर्जुन सिंह परमार, उन लोगों ने जाके सबसे पर्सनल लेवल पर वार्तालाप किया और सबसे लिखित में भी लिया कि भाई आपके साथ ऐसा हुआ हो, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने अपना नाम नहीं बताया। तो और किसी ने ये भी नहीं बोला कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। जो फर्स्ट ईयर बैच था, जिसकी संभावना लग रही थी कि उन्हीं ने किसी ने शिकायत की होगी, तो ऐसा नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद जब जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद एक डीन साहब ने फिर एक एंटी रैगिंग कमेटी हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, उसकी जो बैठक हुई तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि भले ही कोई नहीं बता रहा हो, पर ऐसा हो सकता है कि शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन लड़के नहीं बता रहे हों। तो फिर ये हुआ कि जिनका भी नाम आया था, कि जिन लड़कों का नाम आया है, हम मानते हैं कि चलो उनने नहीं की है, लेकिन फिर भी एक उसके लिए कि आगे ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हो, इसलिए उन तीन जो लड़के थे, 2 या 3 लड़के थे, उनको अगले 3 महीने के लिए हॉस्टल से बाहर कर दिया है। नहीं, साक्ष्य कोई नहीं है, सिर्फ जब शिकायत हुई थी, शिकायत में उन लड़कों के नाम आए थे कि इनके द्वारा रैगिंग की गई है, लेकिन साक्ष्य ऐसा कोई सामने नहीं आया कि किसी ने रैगिंग ली है। किसी ने भी सामने आके ये बोला नहीं कि हमारे साथ रैगिंग हुई है। आधार पर इसलिए कि अगर किसी ने भी शिकायत की है तो ऐसी संभावना हो सकती है कि ये कहीं हो, बच्चे डरे हुए हों। अब डरे हुए पे हम ऐसा तो नहीं ले सकते कि किसी के अगेंस्ट कोई बड़ी कार्रवाई कर दें, तो इस एहतियातन तौर पे ये किया गया, उनको 3 महीने के लिए हॉस्टल से रजिस्ट्रेट कर दिया जाए कि आगे अगर ऐसा किसी ने किया हो तो आगे ऐसी संभावना नहीं बने।